हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और ये हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ आरहेनियस इक्वेशन। सो आरहेनियस इक्वेशन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो आरहेनियस इक्वेशन इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जिसमें k क्या हो गया, k इज अ रेट कांस्टेंट, ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। a इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ea इज एक्टिवेशन एनर्जी, EA is activation energy, R गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर। R is गैस कांस्टेंट एंड T is टेम्परेचर और टेम्परेचर का स्केल जो रहेगा दैट विल बी इन केल्विन स्केल। ओके, तो ये आरहेनियस इक्वेशन हो गया। अब इस आरहेनियस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है, हम लोग चाहें तो इसको लॉग के टर्म में लिख सकते हैं। सो इफ वी राइट द एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, तो इसमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा हमें, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग लेने के बाद ये एक्सप्रेशन मिल गया, इसको फिर हम लोग लॉग बेस 10 में चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको अगर हम लोग लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहें तो रूल पहले भी हुआ था, ln a को लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ a। तो जहां भी मैंने log लिखा उसका मतलब log बेस 10 है, जहां भी log बेस e था उसको मैंने ln लिखा है, ln लिखा है। ओके, सो दिस वी कैन राइट एज log k और यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब दोनों तरफ 2.303 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2.303 वी गेट log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। लेट इट बी y, ये हो गया c और यहाँ पे mx। तो स्लोप m जो होगा, m विल बी इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 और x इज इक्वल टू 1/t, यानी हमारा x एक्सेस 1/t हो जाएगा और y एक्सेस पे हमारे पास log k हो जाएगा। तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन वाज log k is equal to log a minus e a upon 2.303 rt। ओके, तो e a अपॉन 2.303 r नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इसका स्लोप हो गया विच इज ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर। ओके, वाई एक्सिस पे लॉग के और एक्स एक्सिस पे 1/t। ऑलराइट, तो इससे हमारा ये ग्राफ बन गया। तो जब भी कभी प्रॉब्लम रहा, वहाँ पे ग्राफ दिया हुआ रहा, तो उसको यूज करके भी हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप के हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे कि कैसे रेट कांस्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, it is the minimum amount of energy required by reactant molecules to participate in a reaction, मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे अगर उनके पास ये सर्टेन मिनिमम एनर्जी अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोग एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो ये R हो गया, ये P अपना रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट, Y एक्सिस पे एनर्जी एंड X एक्सिस पे हम लोगों ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर सिंपली लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ मूव किया यहाँ पे। ओके, ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। तो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी है। तो अगर हम लोगों ने ओरिजिन से चेक किया इस टॉप मोस्ट पॉइंट का एनर्जी, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। दिस माइट बी कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ओरिजिन से लेकर के इस तक पहुंचने के लिए टोटल एनर्जी जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से लेकर के और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम लोग ये और एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, विच इज दिस एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा H, मीन्स दिस विल गिव यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दिस इज डेल्टा H इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया उसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। नाउ सिंस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो डेल्टा H की वैल्यू इस रिएक्शन में पॉजिटिव मिलेगी, और अगर डेल्टा H की वैल्यू इस रिएक्शन में पॉजिटिव मिली, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। अगर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्रॉ करना होता तो उसमें प्रोडक्ट का पॉइंट जो होगा वो रिएक्टेंट के नीचे आएगा। आइए उसको भी हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। विल टेक द सेम थिंग, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे, एनर्जी हम लोग ले लेंगे वाई एक्सिस पे। यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया। अगेन सेम, रिएक्टेंट अपने पास आर, बट अब प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी एट अ लोअर पॉइंट। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आने के लिए ऐसा एक पाथ अवेलेबल है, और इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी की डिफरेंस अभी जो मिलेगी हमें, दिस विल बी कॉल्ड योर डेल्टा H। बट सिंस अभी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है. सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. This reaction is exothermic in nature. और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जो एनर्जी होती that will be called your activation energy again. एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह पता चली कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड ओनली. तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, हर टाइप के रिएक्शन में पहले कुछ एनर्जी लगेगी ही लगेगी. तो बहुत बार ऐसा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स से आंसर ये मिल रहा होगा रिएक्शन फीजिबल है बट रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसे कुछ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. जब तक उसे वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगा वो रिएक्शन नहीं हो सकता है. सो दिस थिंग यू ऑल विल कीप इन माइंड. नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग समझेंगे हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स.